नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अब आप बस खुशखबरी मिलने के बाद यही कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। दोस्तों, आपको बता दें कि जिंदगी में अच्छी खासी जिंदगी जीना सभी चाहते हैं, और अच्छी गाड़ी होना, अच्छा घर बनाना ये भी सब चाहते हैं, और पूरे परिवार को खुश रख के चलना ये सब सभी के मन में इच्छा होती है। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज़ की भी कमी ना हो जिसके प्रति हम कोई भूल कदम उठाना पड़े या फिर हमें चिंतित होना पड़े। दोस्तों, हमारे जीवन काल में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि जो हमारे पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। आपको अपने जीवन काल में आप बहुत बड़ी चीज़ रखते हैं, लेकिन दोस्तों सोचा हुआ काम नहीं बन पाता है, और ज़िंदगी में आप हमेशा समस्या ही समस्या दिखती हैं। ज़िंदगी में दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी तरह का परिश्रम करने के बाद में आपको कोई फल नहीं मिलता है जिसका आपको हक होता है, आप भागीदारी होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, नहीं तो बहुत सारी खुशियां भी होती हैं, लेकिन हम गलती ये कर देते हैं कि ज़िंदगी में अगर हमें दो पल की खुशी मिल गई तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटने लगते हैं, और अपने आसपास के लोगों के साथ में अपने आप को बहुत ही बड़ा ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं, उनके सामने बहुत ही अपने आप की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको बता दें कि यदि आपको कोई खुशखबरी मिलती है तो खुशखबरी बस आपसे इतना ही चाहती है कि उस खुशखबरी को आप शांतिपूर्वक अपने तक ही रखें, ना कि लोगों में ढिंढोरा पीटें कि आपको ये मिल गया है। दोस्तों, यहाँ पर ही अगर कोई हल्ला हो जाता है, आप कुछ ज़्यादा ढिंढोरा पीटने लगते हैं, तो दोस्तों आसपास के लोगों का आपके ऊपर नज़र रहती है, जिसके कारण दोस्तों बस इतना होता है कि खुशी तो आपको मिलती है, लेकिन खुशी आप अच्छी तरह से जी नहीं पाते हैं। ज़िंदगी में आपको जितनी बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं उससे बड़ी दोस्तों को दुर्घटना हो जाती है, इसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपके ऊपर सब्र नहीं है। सब्र जिसके अंदर हो गया उनके जीवन काल में दोस्तों कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती है, और उनके जीवन में जो भी कठिनाई है वे सभी दोस्तों उनके मन की शांति और मन की इच्छा से पूर्ण हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो आपके जीवन काल में गाड़ी घोड़ा बंगला प्यार पैसा धन दौलत है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने एक काम कर दिया तो आपकी जितनी भी मेहनत है उस पर बहुत बुरी तरह से पानी फिर जाएगा, और मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आपके ग्रह की स्थिति को पाने के लिए भगवान श्री गणेश आपके घर में बड़ा बदलाव ला रहे हैं, जो कि शनिदेव दोस्तों न्याय के देवता माने जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को साकार करना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के पार्ट में एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है, जिन्हें आप अगर देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो इन बातों का ध्यान अगर रख लेंगे तो दोस्तों आप जीवन में बहुत जल्दी करोड़ों के मालिक भी बन जाएंगे। अपने जीवन काल में हर एक परेशानियों को अपने हाथों से दोस्तों दूर कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि शनिदेव के सच्चे भक्त और गणेश जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय श्री गणेश के जयकारे ज़रूर लगाएं। साथ ही जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इससे भगवान शिव और श्री गणेश की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और हर शत्रु को नष्ट हो करेंगे, आपके जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ाने के रास्ते बताएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं कि जीवन की वो खास बातों के बारे में जो आपको ज़िंदगी में ये चीज़ कैसे मिल सकती है। दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन बेहतर नहीं होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी इंसान में कोई भी कमी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो आपको नहीं करनी है, तो बस इसी चीज़ में आपको बेहतर होना पड़ेगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अगर आप अपने समय के साथ में स्वयं को बदलाव नहीं किया और आप अपनी बदलती ज़िंदगी में ऐसे ही चलते रहें तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी।
और आपको बता दें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सभी को अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपको दृढ़ निश्चयी होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तभी दोस्तों यूं कहें तो आपके घर में पैसों की बारिश होगी और इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। बस आपको इतना ही करना है और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप जितने बड़े आपने सपने देखे हैं उन सपनों के अनुसार आपको काम भी करना पड़ेगा, सपनों के पीछे भागना पड़ेगा। फिर दोस्तों घर बैठे बैठे सोए सोए सपने देखने से अगर हर किसी इंसान के सपने पूरे हो जाते तो दुनिया में दोस्तों इतने बिजनेस मैन वाले जो व्यक्ति हैं वो काम नहीं करते। हर कोई बैठे बैठे अपनी इच्छा पूरी कर लेता और दोस्तों रोज़ बड़ी बड़ी इमारतें बनाता, बड़े बड़े ख्वाब पूरा करता और कभी भी किसी दूसरे का काम नहीं करता। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा होता है कि कई बार आपके जीवन काल में समस्याएं आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके जीवन काल में उन्हें समस्याएं नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर माता लक्ष्मी और शिव जी का आशीर्वाद है। भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको दोस्तों बस ये एक काम करना होगा, सावन के पावन महीना जो निकला है उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार के दिन में आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है। सावन में तो आप जाते ही होंगे, लेकिन सावन के बाद में किसी भी सोमवार में आप एक लोटा जल लेकर के शिव जी के मंदिर पर जाइए और शिवलिंग में 3 बेलपत्र रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 21 रख दीजिए, जितना भी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी बेलपत्र रख सकते हैं। उस बेलपत्र को दोस्तों आपको शिवलिंग पर जल अर्जित करते समय डाल देनी है, थोड़ा सा पुष्प लेने हैं और दोस्तों जो आपने शिव जी को तिलक लगाया है उसी तिलक में से उसके बाद में आपको तिलक लगा लेना है और फिर दोस्तों आपको घर जा कर के जिस भी समस्या का समाधान चाहिए उस जगह पर इस तिलक को हल्का सा लगा दीजिए। अगर आपकी समस्या ऐसी है जो मन ही मन में है तो आप मन में थोड़ा सा प्रसाद ले करके अपने ईश्वर का स्मरण करके बोलिए कि हे भोले बाबा हमारी सारी दुख मुसीबतें दूर कर दीजिए। बस दोस्तों आपके ऐसा करने मात्र से देखिए किस प्रकार चुटकियों में आपका भला होगा और आपकी सारी दुख तकलीफें दूर भाग जाएंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, आपका हमारे घर में स्वागत है ये ज़रूर लिखिएगा। आपका दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।